Namaskar Dosto, and I welcome back you to Eduverse News Analysis. Today is 28th December 2022, and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. First of all, look at the article which we are going to discuss. The first article which we are going to discuss is related to Nestle vaccine to host 800 in a private center. State test COVID units to review preparedness. इसके पहले कि हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए इफ यू वांट द लेक्चर ऑफ दिस पीडीएफ पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर देन यू हैव टू द टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए और पीडीएफ के लिए क्या करना होगा आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ आप एडिवर्स न्यूज एनालिसिस सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज हाईलाइट डे टू डे बेसिस में यहां पे डेली बेसिस में यहां पे आती रहती है साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं अंडर स्कोर प्रकाश द्विवे अंडर स्कोर के नाम से यहाँ पे मेरी एक आईडी है आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अंडर प्रकाश द्विवेदी अंडर कोई भी आपके एग्जाम सब्जेक्ट करियर या फिर पर्सनल क्वेरीज हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज है डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे क्वेरीज जो है डेली बेसिस में आती रहती है जिन्हें मैं सॉर्ट आउट करता रहता हूँ तो आप लोगों अगर जरूरत है तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ और आप देख पा रहे होंगे जो पहला आर्टिकल है नेसल वैक्सीन टू कोस्ट एट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन नेसल वैक्सीन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं पर कोई बात नहीं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ये नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है ये इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है जिसे क्या मिला है जिसे अप्रूवल मिला है जो नाक से दी जाएगी मतलब एक तरीके से किसी भी सीरेंज इंजेक्शन इन सब का यूज इसके अंदर नहीं होगा तो ये सेफ भी है काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है इसलिए नेशनल वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो एट हंड्रेड रुपीज है प्राइवेट सेंटर्स के अंदर है ना इसे बनाने वाला कौन है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इसने बनाया जो से इन्होंने कहा भी है कि नेशनल वैक्सीन कोविड नाइनटीन वुड बी एवेलेबल एट एट हंड्रेड इन प्राइवेट वैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर एंड थ्री ट्वेंटी फाइव इन द गवर्नमेंट फैसिलिटीज ये आपको यहाँ पे चीजों को याद रखना है आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको चलिए स्टेट टेस्ट कोविड यूनिट टू रिव्यू नेस्ट स्टेट क्या कर रहा है जैसे कि देश हमारा भारत देश जो है अलग अलग जगह पे टेस्ट कर रहा है कि कोविड के यूनिट्स कितने हैं पूरा प्रिपेयर हम पहले से हो रहे हैं कि अगर कल को कोविड नाइनटीन आता है हम क्या करेंगे हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे है ना उसके लिए क्या करेंगे हम पहले से ही प्रिपेयरनेस प्रिपेयर रहेंगे तो कोविड आता है तो हम प्रिपेयर रहेंगे तो उसी के रिगार्डिंग ये है तो आप लोगों को भी क्या करना है आप लोगों को भी पहले से प्रिपेडनेस बना के रखनी है है ना सारी चीजें जरूरत की चीजें को आपको रख लेना है आसपास रख लेना है कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि अगर आप बाहर निकल निकलते हैं जाते हैं तो वैक्सीनेशन जो भी चीजें हैं सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें मास्क का कर, यूज करें प्रॉपर है ना ये सारी चीजों को आपको भी ध्यान रखना है चलिए मूव करते हैं आगे देख पा रहे होंगे कोविड वैक्सीन शॉर्टेज गवर्नमेंट सेंटर फ्री ओवर इन दिल्ली जो कोविड की वैक्सीन की वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है कहां पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बेसिस में जो शॉर्टेज कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी देखने को अभी मिल रही है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लास्ट वीक आर्ग्यू किए सिटीजन टू टेक द प्रिकॉशन डोज

एडिटोरियल सेक्शन के और अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा आप देखें हैंडलिंग द फॉल आउट ऑफ चाइना विल्टेड कोविड कोविड स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करनी है एक तरीके से देखेंगे हाँ कुछ आप चाहे तो जर्नल पॉइंट है आप इसे पढ़ सकते हैं बट ये चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए वो ये बताया जा रहा है कि चाइना कैसे हैंडल करेगा क्या करेगा तो ये देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ना तो ऐसी न्यूज बहुत आती रहती है और ऐसी न्यूज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपको भी पता है कि क्या करना चाहिए है ना जर्नल मेजर्स क्या क्या उठानी चाहिए आप सभी लोगों ने देखें तो ये तो बहुत सिंपल

माइग्रेंट्स वर्कर डे जो मनाया जाता है वो कम मनाया जाता है एनुअली ऑब्जर्व होता है 18th दिसंबर को तो 18 दिसंबर इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये क्लियर हो गया ये आपको याद होना चाहिए और आपको ये चीज याद हो गई होगी अभी तक अनप्रीसिडेंट डेंटेड वोलेटिलिटी दैट बिगिन इन 2020 एज़ अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोविड-19 आता है जनरली कोविड नाइन्टीन इंडिया जनरली क्या इंडिया के अंदर कब आता है कोविड नाइन्टीन स्टार्टिंग तो उन्नीस दो हजार उन्नीस में हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने में लेकिन इंडिया के अंदर ये मार्च तक में पहुंचता है इंडिया में तो 2020 में इंडिया में पहुंचता है उसके बाद से क्या होता है उसके बाद से और इंडिया नहीं ये कह लो कि पूरे बाकी के देशों में भी चाइना के अलावा 2020 में तेजी से फैलता है तो ऑब्जर्व देखने को तो उसके बाद से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पे परेशान होते हैं बहुत सारे लोग जो हैं पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं मतलब गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं बहुत तेजी से बहुत लोगों की जॉब छिन जाती है इंटरनेशनल माइग्रेंट अब ये एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 इस रिपोर्ट के अंदर ये बताता है देर जो मैं बोल रहा हूँ उसी को क्या करना है जिसे मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया कि इतने इतने सारे लोग गरीबी रेखा के अंदर आ गए इतने लोग जो है माइग्रेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में मूवीज में नहीं टीवीज में देखा होगा न्यूज के अंदर जब उस समय चल रहा था बहुत सारे लोग जो है Uh, कितने कितने हजारों किलोमीटर दो है पद यात्रा कर रहे थे पैदल पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे है ना मुंबई से बिहार तक लोग पैदल गए हैं तो ऐसा चीजें भी देखने को मिली है कोई कोई भी चीज नहीं थी तो देयर वे 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट ग्लोबली इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी दो सौ मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट जो है ग्लोबली देखने को मिले 2020 के अंदर yeah. और उसमें से टू बाय थर्ड जो माइग्रेंट थे वो कौन थे लेबर थे ये आपको याद रखना लेबर माइग्रेंट थे इन 2019 2019 में इन to 2020 ये आपको याद रखना है लार्जर पूल ऑफ माइग्रेंट जो कहां से आए साउथ एशिया के रहे हैं साउथ एशिया से जो माइग्रेंट है वो 40 परसेंट शेयर करते थे साउथ एशिया आपको याद रखना साउथ एशिया से फोर्टी फोर्टी जो है माइग्रेंट साउथ एशिया के थे है ना द साउथ एशिया गल्फ माइग्रेटी कॉरिडोर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर यह आपको पता होना चाहिए ऐसा आप लिख सकते हैं आंसर के अंदर फिर लॉन्ग टर्म डेटा की बात करता हूं मैं तो लॉन्ग टर्म डेटा ऑन द इंटरनेशनल माइग्रेंट शो करता है कि माइग्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज सी बाय द इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर रिजल्टिंग इन डिस्टिंग माइग्रेशन पैटर्न सच एस माइग्रेशन कॉरिडोर डेवलप ओवर द मेनी इयर यह आपको याद रखना है ये जनरल स्टेटमेंट है है ना फिर बताया जा रहा है कि केसेस अराउंड 300 हंड्रेड इंडियन इंजीनियर्स फ्रॉम तमिलनाडु हु ट्रैफिक टू टू वर्क अ क्रिप्टो स्कैम नियरली ट्वेंटी अब देखिए क्या हुआ गरीबी आती है जब भी देखिए गरीबी जो है ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दरिद्रता सम दुख नहीं है ना तो द, दरिद्रता के जैसे मतलब दरिद्रता का मतलब है गरीबी के समान जो है कोई दुख नहीं होता अगर एक बार गरीबी आ ना जाए खाने के लिए के, कई लोग हैं देश के अंदर जो इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है है ना बाकी चीज तो आप छोड़ दीजिए कि बाकी चीजों की मैं बात करता हूं कोई अदर फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटी उनके पास खाने को पैसा नहीं है तो ऐसे लोग जो हैं किस तरीके से अब जो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई अब उनको कोई भी कुछ भी बोल देता है बेचारे चले जाते हैं है ना तो तीन जो इंजीनियर्स थे उनको क्रिप्टो के स्केम में अंदर लेके गया गया माइग्रेंट करवाया ट्रैफिक हुआ होगा बीस इंडियन नर्सेस का ट्रैफिक देखने को मिला है यू ए में उनको लेके गया उनके साथ गलत तरीके से फेक जॉब ऑफर किया और गलत तरीके से चीज को किया है ना तो पोस्ट जॉब कोविड 19 से जॉब हंट देखने को ज्यादा मिल रहा है According to the के अनुसार 1.7 जो है return हो जाते हैं अब्रॉड से during the pandemic. 2020 से 2021 जून तक लगभग लगभग 1.7 जो है के लोग जो है वापस आ जाते हैं 1.5 मिलियन जो है सफर कर रहे हैं इस समय जॉब लॉसेस जिनकी जॉब जो है जा चुकी है इन डेटा को याद रखना है जो इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ सब्सिट्यूट करने पे आंसर में हेल्प मिलेगी आप सभी लोगों को है ना तो ये आपको यहां पे चीजों को याद रखना है क्लियर चलिए आगे चलते हैं देखेंगे कि इंडिया मैनेजेस द द इंडियन माइग्रेटिंग अबाउट यूजिंग इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं लॉ को गवर्न कर रहे हैं जो 40 साल से अभी तक चल रहा है वो लॉ जो है चेंज ही नहीं हुआ तो आवश्यकता क्या है कि इस लॉ को हम चेंज करें इसके अंदर अमेंडमेंट करें नई चीजें लेके आए है ना तो इमिग्रेशन बिल पार्लियामेंट के अंदर लेके आने की आवश्यकता है क्लियर चलिए फिर बताया जा रहा है कि अराउंड नाइन मिलियन इंडियन जो है माइग्रेंट माइग्रेट करते हैं वर्किंग इन द जीसीसी के अंदर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर जीसीसी की मैं बात कर रहा हूं अरब स्टेट्स के अंदर है ना अरब स्टेट कंट्रीज के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर थ्रू द सम ऑफ जी सी सी स्टेट्स है पास रिफॉर्म टू सेव गार्ड द राइट्स ऑफ माइग्रेंट कुछ जो है उन्होंने लॉ पास किया है कि उनके माइग्रेंट्स के लॉ जो है राइट जो है बरकरार रहे एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो ग्रास रूट लेवल पर डिफरेंट अल, अल, अलग स्टोरी होती है है ना देखिए लॉ बनाना एक अलग चीज़ है और सच में उसे इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल पर वो अलग चीज़ है पर कम से कम उन्होंने लॉ बनाया वो एक बड़ी बात हो जाती है है ना कि लॉ का होना भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है तो यही गलत हो जाता है। जी हाँ, अब इस में वुमेन का रोल बहुत बड़ा है क्योंकि कोविड नाइनटीन से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी को देखने को मिला है वो किसको देखने को मिला है लेबर को और दूसरा वुमेन को और जो वुमेन लेबर है उसको तो सबसे ज्यादा देखने को

पैटर्न स्ट्रक्चर माइग्रेटरी एंड मिसरीज इंटरनेशनल माइग्रेंट तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है यूनाइटेड नेशन थ्रू इट्स नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेंट एंड रेगुलर माइग्रेशन तो ये चीजें आपको याद रखनी है यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला कि थ्रू इट्स नॉन बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन हाँ रेजोल्यूशन जो है नॉन बाइंडिंग है मतलब बाइंडिंग नहीं है सबके ऊपर ऐसा नहीं कि करना ही करना बट ऐसा कहा गया अगर सब लोग कर ले तो बहुत अच्छी बात है क्या कहा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन रेगुलर माइग्रेशन जो रेगुलर माइग्रेशन हो रहा है या ऐसा कोई भी माइग्रेशन हो रहा है उसके तहत हमें देश के अंदर एक अलग से पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है उसकी देखरेख करने की आवश्यकता है जो भी लेबर आ रहे हैं जो भी लेबर ऐसे फेस कर रहे हैं इस चैलेंजेस को इसको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिविजिट द पॉलिसीज पोस्ट पैंडेमिक माइग्रेटरी इंगेजिंग द ऑल स्टेक होल्डर्स एंड पासिंग द इमिग्रेशन बिल टू में हमने इमिग्रेशन बिल को पास किया है ना कल को अगर आपको आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर तो हम इमिग्रेशन बिल को लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर मैं आपको डिजिटल नोट्स भी शेयर कर दूंगा है ना तो इमिग्रेशन बिल 2021 के अंदर शॉर्ट नोट बना के रखे हुए शेयर कर दूंगा क्लियर चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आज के अंदर है देखिए इंडियाल कैंसर सर्वाइकल कैंसर अब ये क्या होता है पहले वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं चलिए हम मैं आपसे वो पुरानी वीडियो से डायरेक्टली उस वीडियो को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और उससे आप चीजों को पहले तो समझें फिर मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा गर्ल्स ईज नाइनटीन नाइन नाँट टू तो फोर्टीन गेट सर्विकल कैंसर जैब थ्रू स्कूल ये हमने पेज नंबर फर्स्ट पे देखा था इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होता है सर्विकल कैंसर मैं आपको सबसे पहले इस कैंसर के बारे में बताता हूँ कैंसर सर्विक यूटेरस ये होता है

वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एच पी ह्यूमन एच पी वी पेपिलोमा वायरस ये आपको याद रखने हैं क्लियर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद एच पी वी क्या क्या फैक्टर है ये आपको याद रखना है ठीक है थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिस्ट कैंसर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड के अंदर सबसे ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट कैंसर कौन सा है वो यही है ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट प्रेलिवेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेलिवेंट देखने को मिलता है एवरेज एज जो कितनी years old है ऑनसेट कितनी फिफ्टी टू ईयर्स ओल्ड है डिक्लाइनिंग रिस्क पास फ्यू डी के अंदर डिक्लाइन हो सकता है एबनॉर्मल वाइजनल ब्लीडिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है और डिस्चार्ज ऑफ़ द फर्स्ट साइन बहुत ज्यादा इससे बदबू आती है देखने को मिलता है तो ये चीज भी आपको याद रखना है वाटर पानी तरीके से पानी निकलेगा और रेड और ब्राउन कलर का लिक्विड निकलेगा वजाइना से और बहुत तेजी से बदबू आएगी एबनॉर्मल ब्लीडिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड अर्ली साइन ऑफ सर्विकल कैंसर पोस्ट क्वेटिक ब्लीडिंग ब्लीडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है ये आपको याद रखना है कुछ यहाँ पे इसके uh, साइंस हैं जैसे कि बैक पेन ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है बर्निंग देखने को मिलता है जैसे कि आग लग गई हो वहां पे ऐसा ऐसा लगता है मे बी ड्यू टू कैंसर इम्पलिंग ब्लड वगैरह में ब्लड बहुत तेजी से गिरता है देखने को मिलता है सर्विकल कैंसर साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे ये पैर इस तरीके से सूज जाते हैं ना? Like जा, interstitial, interstitial drainage, है ना हो स्वेलिंग ऑफ द लेग ड्यू टू अक्यूमिनेशन ऑफ द इंटर इंटरस्टिशियल फ्लू ड्यू टू कंप्रेशन ऑन द लिम्फेटिक ड्रेनेज अ पेन देखने को मिलता है काफी ज्यादा टॉइट इंडिकेटिंग द प्लेविक वॉल इन्वॉल्वमेंट फोरसिस फ्लूड बिल्ड अप अराउंड किडनी फ्लूड जो है किडनी के अराउंड बिल्ड हो जाता है यहाँ पे दर्द काफी ज्यादा देखने को मिलता है इस तरीके से ये सूजन आ जाता है ये नॉर्मल कंडीशन है ये सूज, सूज के हो सूजन के कारण ये कंडीशन हो जाती है क्लियर सर्विकल कैंसर साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करता हूं तो पेन डिस्कम्फर्ट ये सारी चीजें बहुत तेजी से देखने को मिलता है हमने देख लिया पहले विक पेन देखने को मिलता है है ना तो ये आपको याद रखना है क्लियर कुछ सिम्टम्स आप फिर से एक बार देख सकते हैं पीडीएफ रीड कर सकते हैं है ना ये देखिए आप सर्विकल सिमटम्सिटी रेडनेस और अल्सरेशन ये तीनों चीजें देखने में एक अल्सर टाइप का होता है ना छाले पड़ते हैं ना उस टाइप से ये चीज देखने को मिलता है कैंसर का टिश्यू रहता है ये कैंसर का टिश्य है ना ये कैंसर टिश्यू है सर्विकल का ये आपको यहाँ पे याद रखना है ये अब आप तो आपको भूलेगा नहीं सर्विक्स की जो वेजाइनल वॉल है ये वॉल है उसके अंदर इस तरीके से ये चीज होता है एंटीरियर व्यू ये देखने को मिल रहा देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन के अंदर आए हैं फाइटिंग कैंसर और एलिवेटिंग द स्कर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सबसे पहले हम फाइटिंग कैंसर को हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब फाइटिंग कैंसर के अंदर जो है क्या चीजें हैं कल ये चीज हमने डिस्कस करी थी डिटेल में आज फिर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूं कि जो 9 से 14 साल के बच्चियां हैं है ना लड़कियों की बात कर रहा हूं स्पेशली मैं है ना स्पेशली क्या लड़कियों की ही बात कर रहा हूं तो उनको क्या दिया जाएगा एक वैक्सीनेशन दिया जाएगा वैक्सीन दी जाएगी जिससे जो कैंसर है वो कम हो पाए कौन सा कैंसर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है इंडिया हैजेंड ऑफ द फाइट दगेंट द सर्विकल In the with the है। वहां पे है, पूरा डिटेल में सर्विकल जाना है आपको लेक्चर के अंदर और कल का लेक्चर जरूर देखना है इंडिया काउंट फोर द हाइस्ट नंबर ऑफ सर्विकल कैंसर जो इंडिया है जो वजाइना के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं वो कैंसर हो जाता है उसके सर्विकल कैंसर एशिया तो। के, के अंदर सबसे ज्यादा जो कै... सर्विकल कैंसर हो रहे वो कहां हो रहे हैं बताइए इंडिया के अंदर एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो कहां हो रहे हैं इंडिया के अंदर दूसरे नंबर में कौन है चाइना है जी हाँ कल कैंसर डेथ और ग्लोबली वी एस्टिमेटेड इन चाइना मतलब मोर देन फिफ्टी एट परसेंट जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एशिया के अंदर है और एशिया के अंदर जो इतने सारे केसेस हैं उनमें से ट्वेंटी उन वन परसेंट केसेस जो निकल के आते हैं वो किसके पास है के इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है, और 23 परसेंट जो है डेथ इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, फॉलोड बाय चाइना के पास 18 परसेंट और 17 परसेंट देखने को मिलता है, ठीक है, 18 परसेंट कैंसर होता है, 17 परसेंट डेथ होती है, है ना, ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कैंसर हो गया तो इसको प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता इट इज अ प्रिवेंटेबल एंड कैंसर याद रखना है इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल कैंसर भी है बट ड्यू टू आवर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है थोड़ा सा है ना कहीं ना कहीं लेकिन हम इसको लेके आ रहे हैं इस वैक्सीन को हमने लेके आया कौन सा ह्यूमन पैपिलो मस में भी पेपिलोमा वायरस पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अजीब सा नाम है इसका है ना साइंटिफिक नाम जो होते हैं बड़े अजीब से होते हैं ह्यूमन पपिलोमा वायरस एच पी वी एचपीबी याद रखियेगा एचपीबी याद रहेगा आप लोगों को तो एचपीबी जो है एक वैक्सीन का नाम है ये दिया जाएगा है ना कार्सियोजेनिक ये भी नाम याद रखना है सिक्स लैक्स वुमेन जो है डायग्नोज कर रही है सर्विकल कैंसर से वर्ल्ड वाइड दो हजार बीस के अंदर ये डेटा आया था डब्ल्यू एच ओ का है फिर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द रिसर्च एंड कैंसर द डब्लू एच ओ स्पेसिफाइड द कंट्री मस्ट रीज द मेंटेन द इंसिडेंट रेट फ्यूअर देन फोर न्यू केसेस इन सर्विकल कैंसर पर वन था वन लैक वूमेन इन ईयर ये ऐसा एस्टिमेट रखा गया ये टारगेट दिया गया है डब्ल्यू एच ओ को सॉरी डब्ल्यू एच ओ ने टारगेट दिया है कि आप कम से कम इसको इतना रिड्यूस करिए कि लगभग एक साल के अंदर एक लाख वुमेन में सिर्फ और सिर्फ चार केसेस ही आए इससे अगर कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम चार तक इसको लेके जाने की कोशिश करिए टू अचीव द गोल अगर इस गोल को हमें अचीव करना है इट इज नेसेसरी टू

ठीक है तो इसको किसके अंदर लेके आया गया है एचपीवी वैक्सीन को इंक्लूड कर लिया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर यू के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है सर्च करना है ये क्या होता है पूरे डिटेलिंग इसकी निकालनी है एक शॉर्ट नोट पेज बना लीजिए जिसमें जो भी डिस्कस करता हूं वो आप लिखते चलेंगे यू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसके तहत क्या होता है मैं छोटा छोटा इफार्मेशन दे देता हूँ कि बहुत सारी वैक्सीन जो है लगाई जाती हैं अलग अलग डिसीज जैसे कि अभी कोविड नाइन्टीन को भी इंक्लूड कर लिया गया है है ना और जैसे कि और भी डिसीजेंस हैं जैसे पोलियो हो गया मैटरनल न्यू मेटल टेटनस डिसीज़ हो गई इस तरह की डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था क्लियर अभी इसी के अंदर बात चल रही है कि एचपीवी वैक्सीन को भी इंक्लूड कर लिया जाए जो बच्चों के अंदर कैंसर तेजी से बढ़ता है वो ना हो सके टारगेट करता है दो करोड़ याद रखिए दो करोड़ नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और दो करोड़ प्रेगनेंट वुमेन एंड ऑफर द फ्री वैक्सीन एटलीस्टेल्व डिस बारह लड़ने के लिए फ्री वैक्सीन जो है यहाँ पे करता है टू बैटल द

जो भी वैक्सीन वगैरह है और इसके बाद अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसको क्या किया किया जाएगा रीच किया जाएगा वहां तक कैसे कम्युनिटी आउटरीच से कम्युनिटी की मदद से वहां तक पहुंचा जाएगा इज लिंक बिटवीन कैंसर इंसिडेंट टू ह्यूमन इंडेक्स लिंकेज बताया जा रहा है ये लिंकेज आपको जरूर लिखना है कि सर्विकल कैंसर का जो लिंकेज है ऐसा स्टडीज ने पाया है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ वैल्यू से भी रिलेट करता है जहां सर्विकल कैंसर ज्यादा होता है वहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वैल्यू वैल्यू है वो कम होती है प्रोग्रेस रेट कम होता प्रोग्रेस सीडीसी नीचे गिर जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे गिर जाता है और राइज़ नहीं कर पाता है क्लियर ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी डिटेल्स में हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया आई होप अभी तक आप लोगों ने चीजों को देख लिया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि इंडिया कर क्या रहा है इंडियास बिड टू बीट द सर्वाइकल कैंसिल अभी इस कैंसर ये जो कैंसर है ह्यूमन इसके अंदर कौन सा वैक्सीन यूज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन याद रखिएगा पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इस वैक्सीन का नाम याद रखना है पहला पॉइंट तो आपका ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है दूसरा इसको लेकर आया जा रहा है यू के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लेके आया जा रहा है उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 12 डिसीज को कवर किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट उसके तहत वैक्सीनेशन वगैरह दिया जा रहा है सक्सेसफुल इरेडिकेशन हमने कर दिया है पोलियो का न्यूनेटल टेटनेस का ये दो डिस का हम सक्सेसफुल इरेडिकेशन कर चुके हैं अब ये ये जो है बच्चों के अंदर होता है नौ से चौदह साल की बच्चियों के अंदर होता है लड़कियों के अंदर ये चीज देखने को मिलता है आप लोगों ने अभी देखा होगा पूरा फिर ये बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर कहाँ है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर देखने को मिलता है है ना इंडिया जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन इन इंडिया और इट इज अ सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर वुमेन्स women के वुमेन के अंदर जो सब, सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है सबसे खतरनाक कैंसर है वो यही है दूसरे नंबर का है ना लेंसेंड की एक रिपोर्ट आती है वो शो करती है कि 58 एट परसेंट ऑफ द ऑल द सर्वाइसल कैंसर एंड डेथ ग्लोबली जो होते हैं एस्टिमेट होते हैं वो कहां से एशिया से 58 परसेंट उसमें से मैं बात करता हूं काउंट डाउन करते हैं तो 28 परसेंट जो केसेस आते हैं और इन ट्वेंटी थ्री परसेंट द डेथ केसेज जो आते हैं वो कहां से आते हैं इंडिया से आते हैं और वहीं पर चाइना से कितने आते हैं एटीन और सेवेंटीन केसेस से एटीन और डेथ सेवनटीन क्लियर तो ये जो कुछ डेटा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे लिखा हुआ एक बार जाके आप इसको रीड भी करिए आर्टिकल को है ना कुछ चैलेंजेस कि क्या है तो वैक्सीनेशन हम कैसे करेंगे सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करेंगे नौ नौ से चौदह साल की बच्चियों को सभी को टारगेट करेंगे उनको वैक्सीनेशन देंगे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं है ना जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कंपनी बेस्ड प्रोग्राम बना के हम उनको भी इसको टारगेट करेंगे तो किसी को भी हमें छोड़ना नहीं है सबको कवर करना है ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए इसके अंदर है ना अब इसी की वजह से सर्वाइसल सर्वाइकल कैंसर की वजह से क्या होता है इस कैंसर की वजह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है एच डी आई भी नीचे जा रहा है ये या आपको याद रखना है 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 ना रिपोर्ट बता रही कैंसर ग्लोबली क्लियर द द द इंक्रीजिंग रेट ऑफ कंट्री विद लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया दो हजार बाईस की इंडिया की जो रैंक है है आउट ऑफ वन नाइनटी वन कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट ये आपको पता होना चाहिए हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, है कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर फर्टिलिटी रेट की डिक्ला, डिक्लाइन होने के होने का रीजन जो है कई हैं जैसे कि इंप्रूव लिटरेरी रेट है ना एज ऑफ मैरिज सो फोर्थ शुड बी प्रोटीन इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, है ना? ये सारी चीजें चेंज होती है सरवाइसल सेंसर कैंपेन ऑन सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पुष्प वैक्सीनेशन ये सारी चीजें करने की आवश्यकता हमें बढ़ जाती है वे हाइट के अंदर आप ये चीजें लिख सकते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उसे भी आप लिख सकते हैं जैसे कि

है ना ये किस ये जो वैक्सीन है किस चीज से रिलेटेड है या इसका कौन सा वैक्सीन है कि यह वायरस है या क्या है ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं क्लियर देखिए ये कोश, ये है ये आपको खुद पढ़ना है और आप लोगों को खुद ही ये बताना है मतलब आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आधार ने सोसाइटी के अंदर चेंज किया है प्लस पॉइंट पॉजिटिव वे में कुछ चेंज किया है अगर चेंज किया है तो आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि आपके साथ क्या पॉजिटिव चेंज हुआ है आपको क्या दिखा है समाज के अंदर ये आपके हो सकते हैं पे, है ना? इस आधार ग्रेटर सोशल गुड क्या आधार एक ग्रेटर सोशल गुड्स के लिए है ये आपको यहाँ पे बताना है सिक्स डिजिट का ये नाइन डिजिट नंबर होता है है ना तो ये आपको यहाँ पे ट्वेल्व डिजिट नंबर होता है सॉरी आधार का है ना ट्वेल्व डिजिट का नंबर होता है ठीक है तो ये आधार किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहा है ये आपको जैसे स्कीम कवर होती है आप देखिए इसकी आप ये देख सकते हैं हु एंड वेन आदि ड्राइविडर एंड ट्राइबल वेलफेयर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एनिबल हजेंड्री अलग अलग मिनिस्ट्री दी गई है है ना फिर इसके बाद स्कीम कवर्ड कौन कौन सी स्कीम कवर्ड होती है आधार के थ्रू जो हेल्प मिलती है ट्वेंटी वन स्कीम फिशिंग कम्युनिटी के अंदर आधार कवरेज पीडीएस सिस्टम बना दिया गया पावर सेक्टर के अंदर क्या इसके प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है दोनों दो दो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है चलिए वनागरा आगरा वॉज सेंटर ऑफ हिंदुस्तान एंड कोशन हो देखिए कुछ खास इस आर्टिकल नहीं है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे ताजमहल और आगरा के बारे में बताया गया है आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं है ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट है ना नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन टू बिगनिमिटेशन एक्सरसाइज इन यूज फिगर इन फिगर ऑफ टू थाउजेंड इलेवन जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो स्टार्ट हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने बिगन कर दिया है ये आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में रीड करना है पॉलिटी में से जाना है और डिलिमिटेशन कमीशन को लीड करना रीड करना है है ना और फिर आपको आके बताना अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो कौन से सेंसेस की फिगर को पढ़ेगी कहा से सॉर्ट आउट करेगी 2021 की सेंसेस क्योंकि 2021 में होना था वो 2021 में हुआ नहीं ड्यू टू कोविड 19 कोविड 19 के बेस दो हजार का सेंसर इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोक दिया गया है, है ना इसलिए दो का सेंसेस की डेटा लिया जा रहा है क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज किया डिलिमिटेशन कमीशन में वहां पे कौन से दो का इक्कीस को यूज किया गया है 2020, 2021 2001 वन ऐसा दे दिया जाएगा दो तीन आपको तो 2001 आपको याद रखना है क्लियर चलिए पार्लियामेंट्री पैनल टू पुश पुल्स अब गवर्नमेंट फॉर फील्यूअर टू क्रिएट टूरिज्म काउंसिल पार्लियामेंट जो पैनल है वो पुल कर रहा है गवर्नमेंट को फेलर टू क्रिएट अ टूरिज्म काउंसिल को बनाने के लिए है ना क्यों फेल्यूअर टू क्रिएट द काउंसिल अब क्या हो रहा है ड्राफ्टिंग नेशनल टूरिज्म पॉलिसी इज नॉट इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए सिर्फ पॉलिसी बना देना ड्राफ्ट कर देना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने चीज बोली है फिर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन द ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर इन्होंने सजेस्ट किया फास्ट ट्रैकिंग क्रिएशन ऑफ नेशनल टूरिज्म काउंसिल एक नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाइए अब ऑन द लाइन ऑफ जीएसटी काउंसिल टू डायरेक्टली मेक रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट को जो डायरेक्टली रिकमेंडेशन देगी जैसे जीएसटी है ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल है उसी तरीके से टूरिज्म काउंसिल बनाइए नेशनल टूरिज्म काउंसिल जो डायरेक्टली किसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन दे और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए उसके ऊपर वर्क हो तो ये एक विजन लेके चल रहे हैं कि जो जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल है उसी तरीके से क्या बनाने की आवश्यकता है टूरिज्म काउंसिल क्लियर 18 स्टेट गेट टू रिसीव फोर्टी फोर करोड़ इन मनरेगा तो चार हजार सात सौ करोड़ जो है मिलेगा यहां पे मनरेगा के अंदर 18 स्टेट्स को ये यह आपको यहां पे याद रखना है क्लियर रिसीव वेजेस टू यूनियन गवर्नमेंट अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलना चाहिए चार हजार सात सौ करोड़ रुपए मनरेगा के तहत बट अभी तक अठारह स्टेट को यह पैसा नहीं मिला तो किस तरीके से लेबर काम तो कर रहे हैं पर किस तरीके से शॉर्टेज हो रही है ये चीज भी आप यहां पे देख पा रहे हैं होंगे, है ना तो छोटी सी न्यूज रखने की आवश्यकता नहीं है बट आप जस्ट जस्ट सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है ना ये कुछ चीजें हैं जो आप याद आ, मतलब एक बार देख लीजिएगा कुछ खास ऐसा मुझे लगा नहीं जैसे कि मर्जेंटाइज एक्सपोर्ट में सरिंक अब ये बोला मे सर तो मे वाले क्वेश्चन तो हमेशा सही होते हैं कि कि तो तो हो हो सकता है कि हाँ, किया है तो हो रहा है केयर ने बॉन्ड किया रहा एयर बैग इंडस्ट्री जो है ग्रो कर जाएगी सात हजार करोड़ से दो हजार सत्ताईस तक सात हजार करोड़ तक एयर बैग इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है अगर किसी को बिजनेस करना है कुछ आइडिया देना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे है ना सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर द डेटा प्रोटेक्शन बिल हिट डेटा सेंटर इन्वेस्टर्स को वहां पे हिट कर रहा है ये सारी चीजें बिल के अंदर जो भी था हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ ग्रीन हाइड्रोजन में गेट टू बिलियन इंसेंटिव दो बिलियन का इंसेंटिव जो है दो बिलियन डॉलर का इंसेंटिव जो है मिल सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को तो मैं आ गया फिर से देखिए वर्ड में आ गया तो मैं आ गया तो ऑलवेज करेक्ट कर देना 99.99 परसेंट .99 केसेस में मैं वाली चीजें सही होती हैं 100 परसेंट तो कोई नहीं बोलेगा बट ये आपको याद रखना है जब भी आप फिल्म का क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को आपको बैक ऑफ द माइंड में ध्यान में रखना है क्लियर तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी है ना सा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया और आर्टिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया शॉर्ट टाइम में फटाफट जल्दी जल्दी हमने जो भी इंपॉर्टेंट था डिस्कस कर लिया जो नहीं था उसे छोड़ दिया क्लियर तो ये आपको याद रखना है मेकिंग अ केस ऑफ टूरिज्म काउंसिल ये भी हमने देखा पेज नंबर ट्वेल्व में ब्लजार्ट ऑफ द सेंचुरी ऑफ बेटर बेटर यूएस यूएस के तक अभी हमने कल ही देखा था बहुत तेजी से बर्फबारी है बहुत तेजी से ठंडी ठंडी हवा चल रही है ब्लेजार्ट ब्लजार्ट के बारे में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है कमेंट करिए ब्लिजार्ट क्या है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है वॉट डू यू मीन बाय ब्लजार्ट है ना एन में आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो क्लियर चलिए Uh, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन